अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने कहा अभी आपको दिखा दूँ, यार हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए। आज इनका पीटी डे है, तो थर्सडे फ्राइडे इनका पीटी का डे होता है, तो ये रेडी हो गए। आराम सलाम करें, अपना ड्रेस दिखाएं। इनका हाउस जो है वो रेड है, बाकी बच्चों का ग्रीन येलो और ब्लू है। तो अरम को उनकी टीचर ने ये रेड दिया था। तो अरम आज बड़े वो होते हैं, थर्सडे फ्राइडे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना स्कूल जाने की, क्योंकि पीटी ड्रेस होता है ना इनका, तो पीटी होती है तो बहुत खुश होते हैं। तो अभी भी ये फौरन तैयार होके रेडी होके बैठ गए, बस अभी इनकी वैन का इंतजार। अब हम जा रहे थे अरम को लेने उसके स्कूल से, उसको पिक करने, क्योंकि इनके पापा आज घर में थे। उन्होंने कहा चलते हैं, क्योंकि ये अरम ज़रा खुश होता है ना उसे स्कूल से पिक करें ना उसके पापा या मम्मी, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और वैसे भी आजकल दोपहर में ज़रा गर्मी होने लगती है, थोड़ा गर्म मौसम है, शाम में थोड़ा ठंडा होने लगा है। तो अभी बच्चा आएगा धूप में तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है। तो मैंने कहा आज मोहन के स्कूल आ गए, अब इंशाल्लाह मैं अरम को अंदर से लेके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मिस रिजवाना खुश हो रही थी, अरम अच्छा पढ़ता है, हैं आप पापा आए थे, कहने लगे अरम को लेके आते हैं। सही है, मैंने कहा चलते, कैसा रहा? अरम कार में जाके बैठे बेटा। क्या पढ़ा था आज अपने स्कूल में? अभी देखे पापा आज आपको लेने आ गए, कह रहे थे अरम को लेने चलते हैं। आपको अच्छा लगा? और दूसरा स्कूल में क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया? आओ ये बताएं, सबसे पहले आपका टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा। प्रैक्टिकल अच्छा दिया कंप्यूटर का हैं? और अभी आपकी टीचर से मेरी बात हुई, वो भी कह रही थी अरम जो है कि अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। और उसका भी बताया, पीटी ड्रेस का भी मैंने पूछा, आप कह रहे थे ना मम्मी कि अलग अलग ड्रेस भी पहन के आ सकते हैं, तो टीचर ने बता दिया नहीं आपको सेलेक्ट करके दिया है, इसलिए आपका रेड है। सही है। और भी पहन के आ सकते हैं। हाँ तो वो तो येलो ब्लू सब है ना, इसलिए। तो मिस ने कहा नहीं अरम अच्छा क्लास में वो देते हैं रिस्पॉन्स हैं। और मिस राय वो आपकी दूसरी वाली टीचर भी खड़ी हुई थी ना, फर्स्ट क्लास की भी खड़ी हुई थी ना, आपने लंच कर लिया था? Yes. और मैगी फिनिश कर लिया था? Yes. और अच्छा लगा आपको? Yes. हो गया? अच्छा, पापा से फिर पूछ रही हूँ। सही है। अरे मैं विजिट कर रहे हैं अपने फुफ्फो के घर जाने के लिए, इनके स्कूल के पास ही इनके फुफ्फो का घर है, तो मैंने इनके पापा से पूछा है, वो कह रहे हैं अच्छा चलें, तो फिर चलते हैं अरम की फुफ्फो के घर पे। मैं उनका घर भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम अपनी नन मैं अपनी नन के घर पहुँच गई हूँ, अरम के फुफ्फो के घर। आइए इनका घर देखते हैं। ये अभी मैं अपनी नन के घर आ गई हूँ, उनके घर का जीना चढ़ रहे। अब अरम के फुप्पो के घर आ गए, ये देखे अरम बैठा हुआ है, इनकी फुप्पो का घर है। इनको आने का हो रहा था, अपनी फुप्पो के घर जाएंगे, अब आ गए ये। अब चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। बोलो भाई, हंस रहे हैं बस, फुप्पो से बात करो। पेपर हो रहे हैं ना इनके? अच्छा, पेपर हो रहे हैं। हाँ, मंथली टेस्ट। अच्छा गया पेपर। और मिस का नाम क्या है जिसने पेपर लिया था?
और आपने दोबारा पढ़ लिया, घर जाके दोबारा पढ़ेंगे भाई? दोपहर में आती है ना, हाँ अभी तो जाके थोड़ा चल रहा, अभी नूराने कायदे चल रहा है। ये मेरी नन का घर है, वो अभी शिफ्ट हुई है इस घर में ना, एक महीने पहले शिफ्ट हुई है, तो अभी ज़रा सेटिंग इनकी चल ही रही है, सामान वगैरह आहिस्ता आहिस्ता लाती रहती है। इनके घर की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह से, कि इनके घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, और वो माशाल्लाह से मस्जिद का बिल्कुल गुंबद वगैरह देखें कितना अच्छा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद की बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल सामने ही है मस्जिद, और बिल्कुल आवाज़ ऐसे आती है पांचों वक्त के टाइम की नमाज़ की आवाज़, कितना अच्छा लगता है। और रमज़ानों में तो ये तरावियाँ होंगी तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे ज़रा बहुत अच्छा लगता है इनके घर आके कि बिल्कुल नहीं। और गुम्बद देखें कितना अच्छा है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। आराम को भी अपनी ना इन फुफ्फो के घर आके बड़ा अच्छा लगता है, असल में यहाँ स्पेस ज़्यादा है ना ये, और यहाँ पे इनकी छत भी है तो उस पर भी चले आते हैं पर असल में अरम जो है ना थोड़े ना सीधे से हैं, मतलब कम बोलते हैं कम वो करते हैं, इसलिए तो इसने कहना पड़ता है कि भाई बोलो घर में कुछ कहो बात करो, शर्म बहुत आती है इन्हें, शर्म बहुत आती है, शर्माते बहुत हैं ना भाई अरम। लेकिन अपने दोस्तों से तो नहीं शर्माते, आपके दोस्तों का नाम क्या है? आयरा। और सबसे अच्छा दोस्त कौन है? रोहान अफजान। बेस्ट फ्रेंड है रोहान? किस पीटी और कौन से कलर का पीटी ड्रेस पहन के आते हैं? अच्छा आप रेड में? हाँ, और आयरा भी। अच्छा हमारे एरिया में ना जमरात बाजार लगता है, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ सस्ते रेट के साथ मिलती हैं। तो हमारे घर में घर आई थी और हमने कपड़े चेंज करे और खाना वाना खाया, तो अब ये इसके इनके दोस्त आ गए हैं तो ये इनके साथ थोड़ा खेल लें, तो मैंने कहा थोड़ी वीडियो डालूँ आपको बताऊँ कि खेल रहे हैं अभी ये, इनसे इनके नाम पूछ रही हूँ। अरम ये आपके कौन है? अच्छा नाम क्या है बताओ भाई आपका नाम क्या है? और आप आओ आपका नाम क्या है? अरम। ये अरम बिलाल है, ये अरम के दोस्त हैं, ये आए अभी, तो मैंने कहा वीडियो में दिखाऊं आपको इनका। अभी ये दोनों अरम थोड़ा सा खेलने के बाद बस फिर इनकी वही रूटीन होगी सानी ट्यूशन, उसके बाद ये बस आज का व्लॉग यही था, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ, ज़रूर आपको पसंद आया होगा, लाइक करें कॉमेंट्स करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या करना है? मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट कर। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़ कर दो।